Hey, what is up guys? So me here and back with another exciting KineMaster editing tutorial. Guys, अगर आप ऐसे buffering video editing करना चाहते हैं, अपनी buffering effect देना चाहते हैं अपनी video के अंदर, तो इस video को तुम आखिर तक देखते रहिए। बहुत ही easy है, बहुत ही सही editing है, तो इस video को like करिए यार, और एकदम last तक देखना, कोई भी part skip मत कर देना। और इस वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए कैसा लगा, और बहुत सारा ऐसे ही KineMaster वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल आने वाला है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचते रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए KineMaster में जाते हैं और MT प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों आपको कोई भी वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आपको बफरिंग में इफेक्ट देना है, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों उस वीडियो के ऊपर आपको करना है टैप करना है, ओके। उसके बाद ये जो ट्रिम वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो और उसके बाद जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, वो फ़ोटो के आप लेंथ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद एक ग्रीन स्क्रीन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस ग्रीन स्क्रीन को आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको जाना है क्रॉपिंग में, इसको सिलेक्ट करने के बाद वीडियो लेयर से उसके बाद क्रॉप कर लीजिए। 6 लोडिंग स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, तो एक सिलेक्ट कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद इसको मिडिल पोर्शन पे आपको रख देना है, उसके बाद इसको बड़ा कर देना है, जितने बड़ा साइज आप देना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोमाकी में जाना है और इसको इनेबल कर देना होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है, तो आप देख सकते हो, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हो शायद, तो बहुत ही ईजी और बहुत ही सही है। तो अगर आप चाहते हो तो आप और भी ज़्यादा दे सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं और एक दे देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो चलो यार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया अपना वीडियो तैयार, बफरिंग इफेक्ट हमने दे दिए अपनी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा एडिटिंग था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एडिटिंग है, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं गैलरी में। तो आए दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए कैसा लगा। और स्क्रीन पे दो वीडियो आपको नज़र में आ रहे होंगे, वो दो वीडियो भी आप देख सकते हो, और प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो यार बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।